को शिक्षा बना दिया, शिक्षा की क्षेत्र में क्रांति लाने वाले। अरे सुनो भाई साहब, जितने भाई साहब, अरे एक बात में भाई साहब, आप शिवम भाई सुनो, मैं बोल रहा दोस्तों, राम राम साह, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आज उम्मीद नहीं, आज रियल में आप जबरदस्त हैं। जो माहौल हम लोग देख रहे हैं आप लोगों के बीच, उसमें वास्तव में चार चांद लगा देते हो। हम जितनी उम्मीद करते हैं उससे कहीं ज्यादा आप प्यार देते हो, और मैं प्रणाम करता हूँ पराक्रम और परिश्रम की धरती राजस्थान को। पराक्रम में आप सब लोग जानते हैं, बहुत बड़े बड़े वीर और वीरांगनाएं यहाँ पैदा हुई, और हम आज परिश्रम पे बात करने आए हैं। परिश्रम वाकई दिल्ली पुलिस से हमें पता लगा, रियल परिश्रम यहाँ के बच्चों का, जो रैंकर्स थे, जो सबसे ज्यादा रैंकर्स बच्चे दिल्ली पुलिस में गए वो राजस्थान से ही सबसे ज्यादा थे इस बार। और परिश्रम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रैंकर्स बहुत लोग बन सकते हैं, उनमें से ज्यादातर रैंकर्स वो थे जो एसएससी जीडी की फाइनल मेरिट से रहे थे और दिल्ली पुलिस में रैंकर बने। ये बहुत बड़ी बात थी, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और उसी दिन से ठान लिया था कि अगला टूर जयपुर राजस्थान का होगा, और ये उसी का है। और पहली बार हम अपने स्टेट यूपी से बाहर आए हैं, वैसे तो अपना पूरा हिंदुस्तान है लेकिन राजस्थान की धरती के बारे में हमेशा से हम पढ़ते रहे हैं। छोटे बच्चे थे तब से ही यहाँ के वीरों के बारे में हमें पढ़ाया जाता रहा है, तो यहाँ के लिए दिल से प्रेम लगता है जब भी राजस्थान नाम आता है। तो आप लोग जिस तरह से हम लोग को सुन रहे हो वो वास्तव में इस तरह से लग रहा है कि हम अपने घर से बाहर नहीं है, और यहीं से ऐसा लगता है कि हर किसी का विकास यहीं से हुआ है। और आप लोग जिस धरती पर रहते हैं ये अपने आप में गर्व फील कराने वाली हर क्षण वो क्षण होता है जब हम गर्व फील कर सकते हैं कि हम राजस्थान के हैं। तो आप इस बात को कभी भी गर्व से कहना कि हम राजस्थान वाले हैं। तो आरडब्ल्यूए का जो उद्देश्य रहा है, आप सबको मालूम है कि एक क्वालिटी की शिक्षा और बहुत सस्ते दामों में आप तक पहुंच जाए, या तो सस्ते में पहुंच जाए या वो फ्री में पहुंच जाए। राजस्थान में मतलब एंट्री करने ही वाले हैं, अभी हमने की नहीं है आगे, मुझे मालूम है यहाँ रीट के बच्चे बहुत होते हैं, मुझे मालूम है यहाँ जो पुलिस की तैयारी वाले बच्चे बहुत बैठे होंगे, मुझे मालूम है उनको सीईटी की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो सब हम आपके लिए लेकर के आएंगे। तो मुझे किसी ने सलाह दी राजस्थान से ही कि सर राजस्थान का बच्चा पढ़ाई के पीछे बहुत पैसे खर्च कर सकता है, बहुत पैसे, क्योंकि इनका एकमात्र उद्देश्य खाने को रोटी नहीं है लेकिन पैसा पढ़ाई पे खर्च कर देगा। मैंने कहा भाई खर्च तो तब करेगा जब उसके पास होंगे, हम तो उनके लिए हैं जिनके पास नहीं है। और अगर पैसे वाले ही ढूंढने थे तो बच्चे के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, हमें तो वो ढूंढे जिनके पास कुछ नहीं। तो हम उन्हीं के लिए बने हैं जो वास्तव में संसाधनों के अभाव में पले हैं। तो आज भी मैं कुछ बच्चों को देखना चाहूंगा कि जो जयपुर से बाहर के हैं वो हाथ खड़ा कर दीजिए। ये चीज बताती है कि आरडब्ल्यूए किसी एक शहर में जब भी आता है तो
तो उस शहर के बच्चे ही नहीं होते वहाँ, यार उनके प्यार में, आड़ौली के प्यार में, आड़ौली ने जो उनके लिए किया है वो उनका प्यार उनको खींच लाता है उनके टीम से मिलने के लिए कहीं से। यहाँ पे क्या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हाल फिलहाल की भर्तियों में सेलेक्ट हो चुके हैं, और यहाँ बैठे हैं, किसी वजह से सम्मान समारोह में नहीं पहुंच पाए। कुछ बच्चे हैं क्या, वो एक बार स्टेज पर आ जाए। वो सभी बच्चे जो भी सेलेक्ट हो चुके हैं, अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हो या कहीं भी कर रहे हो, तो वो सेलेक्ट हमारे बच्चे एक बार आ जाए। मैं चाहता हूँ, क्योंकि वो सम्मान समारोह में किसी वजह से नहीं पहुंच पाए, तो उनका सम्मान करने का मौका आगे टीम को मिल सके यहाँ पर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इसमें वही बच्चे आना, अगर कोई भी एक फेक आया तो मैं ऐसी बद्दुआ देकर के जाऊंगा, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं नवीन सर से चाहता हूँ कि वो इनका बच्चों का मेडल और टी शर्ट देकर के सम्मान करें। दीपक सर आप भी साथ में आ जाए, नवीन सर प्लीज, आप तीनों टीचर्स। अच्छा मेडल हमारी तरफ से, संदीप सर को, हाँ संदीप सर कहाँ बैठे हैं, चलिए बहुत बढ़िया।